अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल इन वन इंफॉर्मेशन टीके। कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब हैरत से होंगे। दोस्तों आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके जीमेल अकाउंट दूसरे मोबाइल में लॉग इन है और अगर आप वो लॉग आउट करना चाहते हैं तो कैसे आप अपने मोबाइल से दूसरे मोबाइल में अपना जीमेल अकाउंट लॉग आउट कर सकती है। तो आपको आज की वीडियो में हम एक ट्रिक बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल से अपना जीमेल अकाउंट दूसरे मोबाइल से लॉग आउट कर सकती है। तो दोस्तों आप सबसे एक गुजारिश है कि वीडियो को स्टेप बाय स्टेप एंड तक देखिए, वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करें। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करती हुए चलती है मोबाइल की स्क्रीन पर और वीडियो को स्टार्ट करती है। तो चलो चलती है मोबाइल की स्क्रीन पर। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने जीमेल को ओपन करना है। जीमेल को ओपन करने के बाद फिर आपको लेफ्ट साइड जो थ्री लाइन है, इस थ्री लाइन पर आपको क्लिक करना है। थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है और सेटिंग पर क्लिक करना है। सेटिंग पर क्लिक करने के बाद आपके पास जितना जीमेल लॉगिन है वो सब आ जाएंगे। तो जिस जीमेल का आप मालूम करना चाहते हैं कि जीमेल किस मोबाइल में लॉगिन है, तो आपको इस जीमेल पर क्लिक करना है। इस जीमेल पर क्लिक करने के बाद जो पास नंबर पर आ गया मैनेज योर गूगल अकाउंट, फिर आपको मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। तो मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको इसी तरह इंटरफेस शो हो जाएगा। तो आपको राइट साइड स्क्रॉल करना और इधर सिक्योरिटी का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जब आप सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फिर आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन ढूंढना है योर डिवाइस। तो इधर आप देख सकते हैं आपकी जीमेल जितनी भी मोबाइल में लॉग इन है तो आपको इधर शो करेगा। तो हमारे जीमेल ऑलरेडी दो मोबाइल में लॉग इन है। मैं ये एक मोबाइल जो मैं यूज़ करता हूँ इसमें लॉग इन है और दूसरा मोबाइल इसमें मैंने खुद ही लॉग इन किया है। तो मैं आपको सिर्फ तरीक़ा बताने के लिए उस मोबाइल में लॉग इन किया है, गैलेक्सी G2 प्राइम पाकिस्तान। इधर आप देख सकते हैं इसका सारा डेटा भी आप देख सकते हैं किसने। तो इसको लॉग आउट करने के लिए आपको फिर साइन आउट पर क्लिक करना है। जब आप साइन आउट पर क्लिक करेंगे फिर आपको लॉग आउट साइन आउट पर क्लिक करना है। तो साइन आउट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। तो इधर आप देख सकती हैं कि ये इस मोबाइल से हमारा जीमेल लॉग आउट हो गया। तो इसी तरीके के साथ आप अपने जीमेल दूसरे मोबाइल से लॉग आउट कर सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।